यूट्यूब फ्रेंड, तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ फिर से एक नया ब्लॉग। तो कल की थकान इतनी हो रही है रक्षाबंधन की बहुत ज़्यादा, तो जो बुआ जी वगैरह आई हुई थी सब जा चुके हैं, लेकिन काम मेरा इतना पड़ा है फैला हुआ, क्योंकि काम इतना हो नहीं पाता है घर में कोई आ जाता है। मैं भी अपने घर गई, वहाँ से आई, तो फिर वहाँ से आके भी इतना खाने पीने का ही पूरा दिन निकल गया, कुछ भी नहीं हो पाया। तो आज मैं सोच रही हूँ, मैंने ये सोफ़े कवर वगैरह धोए थे वो मैंने सेट कर दिए थे, लेकिन पिलो कवर रह गए थे, क्योंकि त्यौहार की सफाई भी चल रही थी कुछ रक्षाबंधन की। अब कुछ दिनों में आने वाली 7 तारीख की जन्माष्टमी, तो उसकी सफाई भी है, तो घर में सफाई भी चल रही है प्रॉपर, क्योंकि त्यौहार आ रहे हैं इस तरह से। तो थोड़ा थोड़ा मैं करती रहती हूँ सफाई, तो आज तो मेरा पूरा काम पड़ा है, तो मैं लगूंगी अपने काम में, थोड़ा बहुत सफाई भी करूँगी, क्योंकि अब धीरे धीरे एक एक करके एक एक दिन में थोड़ा थोड़ा सेट करती रहूँगी, तो मेरी आराम से 7 दिन में सफाई अच्छे से हो जाएगी। तो चलते हैं, आज का काम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से पहले मैं सबसे पहले बाहर का काम ही सिलटा लेती हूँ। तो सबसे पहले बाहर के जो पिलो कवर चढ़ाने रह गए थे सोफ़े के ऊपर, मैं वो चढ़ा लेती हूँ। सोफ़े भी ना मेरे ऐसे फैले ही पड़े हैं, तो इनको भी मैं अच्छे सेट करूँगी, क्योंकि इधर उधर हो रहे हैं, तो इनकी थोड़ा इधर उधर बैठते हैं, तो थोड़ा बाहर से भी धूल आ जाती है। तो इन सबको चढ़ा के तब मैं इनको अच्छे से सेट करूँगी सोफ़े को। सोफ़ा भी घिरा हुआ पड़ा रहता है तो अच्छा भी नहीं लगता है। सब पे पिलो चढ़ा लिया मैं, कर लेती हूँ सोफ़े को अच्छे से सेट। तो आप देख सकते हैं सोफ़े को अच्छे सेट कर दिया है। सोफ़ा सेट कर देते हैं तो बाहर के रूम ना अपने आप ही अच्छा लगता है देखने में। तो मैं पूरा सेट कर दिया है मैंने अपना गेस्ट रूम। गेस्ट रूम सेट करने के बाद मैं निकाल दूँगी झाड़ू, तो अंदर से मैंने पूरे घर में झाड़ू निकाल दी थी, तो बचा है गेस्ट रूम, तो इसमें भी झाड़ू निकाल देती हूँ। तो यहाँ पर मैं लगा लेती हूँ जल्दी जल्दी पहले इसमें पूरे झाड़ू, तो मैं डस्टिंग बाद में करूँगी, क्योंकि झाड़ू लगाते हैं ना तो थोड़ी बहुत धूल उड़ के चली ही जाती है, तो मैं डस्टिंग बाद में करूँगी। तो आप देख सकते हैं कितना कचरा निकला है। तो मैंने लगा दी पूरे घर में झाड़ू, उसके बाद आ गई मैं डस्टिंग पे। यहाँ पर पूरे घर में डस्टिंग कर देती हूँ। तो पहले से मैं टीवी रैक में अच्छे से करूँगी, टीवी वगैरह मैंने ट्रॉली सबको अच्छे से पहुँच दिया, शीशा वगैरह मैंने सब अच्छे से पहुँच दिए, तो एकदम क्लियर साफ़ हो गई। ये सब साफ़ करने के बाद मैं आ गई टेबल पर, तो टेबल को भी मैं अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ पे बहुत जल्दी आराम से साफ़ हो जाते हैं, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है। तो टेबल वगैरह सब साफ़ हो गई। तो घर के काम करने करने बीच में मुझे याद आया, काम करते करते बीच में मैंने सोचा मैं अपने फेस पे थोड़ा स्क्रब कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लोटस का हर्बल का सेफ सन स्क्रब लिया है, जिसे मैं अपने फेस पे यूज़ करती हूँ। थोड़ा डस्ट वगैरह होती है वो निकल जाती है इससे, तो इस तरह से थोड़ा सा इसे हाथ पर ले लेना है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा इस तरह मैंने लिया है, और इसे फेस पर अप्लाई करना है। पहले थोड़ा थोड़ा सारे फेस पर इस तरह से अप्लाई आपको कर लेना है इस तरह से, और थोड़ा सा हाथों पे पानी लेके इस तरह से आप इसको स्क्रब कर लें। इसे ऊपर की तरफ ही करें, नीचे की तरफ ऐसे ना करें, ऐसे करके ही आपको अपनी फिंगरों को घुमाना है इस तरह से। आप इस स्क्रब को 10 से 15 मिनट अपने फेस पे हल्के हाथों से स्मूथ स्मूथ करें, ज़्यादा रगड़े नहीं, टाइट ना करें, हल्के हाथों से ही करना है ये। तो यहाँ पे मैं इसे जल्दी जल्दी कर लेती हूँ, तो स्पीड नहीं बढ़ानी है, मतलब मेरा मतलब है कि मैं यहाँ पे 10 से 15 मिनट इसे कर लेती हूँ। तो गर्दन को भी हम अच्छे साफ़ कर लेते हैं, तो गर्दन भी मतलब साफ़ हो जाए, चेहरा गर्दन बेकार लगती है, तो इसे मैंने अच्छे से कर लिया और साफ़ पानी से, ताज़ी पानी से मैंने इसे वॉश कर लिया, तो काफ़ी फ़र्क दिख रहा है, फेस साफ़ हो गया। अब आ जाते हैं फिर से काम में लग जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आ गई फ्रिज को साफ़ करने के लिए, पूरे फ्रिज को पहले मैं खाली कर लेती हूँ। तो पूरा भरा पड़ा था सामान, इतना ज़्यादा नहीं था लेकिन इधर उधर पड़ा था, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा मैसी हो रहा था, तो मैं इसे साफ़ कर लेती हूँ। सारा सामान निकालने का मैंने सोचा पहले से ऐसे ही बिना मतलब निकाले इसके पार्ट ऐसे ही इसको साफ़ कर लेती हूँ। तो कोशिश मैंने यही की, लेकिन ये इतना ज़्यादा गंदा हो रहा था, आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है। मैंने कोशिश पूरी की लेकिन मेरे को भी नहीं लगा कि ऐसे साफ़ होगा, तो फिर मुझे लगा कि इसको निकालने ही पड़ेंगे इसके सारे पार्ट। तो फिर भी आप देख सकते हो कितना गंदा हो रहा है, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन ये नहीं साफ़ हुआ। और आप जानते हैं गंदी चीज़ एक बार लगो तो फिर एकदम क्लियर ही साफ़ करो, अगर आप कोई चीज़ को साफ़ कर ही रही हो। तो मैंने सोचा अब इसको पूरी अच्छी तरह से इसकी सफाई कर दी जाए फ्रिज की। तो इसके सारे पार्ट मैंने एक एक करके सारे पार्ट इसके निकाल दिए फ्रिज के, और इन्हें अच्छे से मैं वॉश कर लूँगी। उस पार्टों को मैं ले जाती हूँ किचन में, सारे पार्ट ले जाके मैंने किचन में रख लिए थे, और इनको मैं अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। बहुत ही सावधानी से ही हमें साफ़ करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको पता है कि बहुत कांच के होते हैं और वैसे टूटने का बहुत ज़्यादा डर होता है, तो एक पार्ट टूट गया तो पूरा फ्रिज ख़राब हो जाएगा। तो इससे पहले बहुत ही सावधानी से धीरे धीरे मैंने फ्रिज के सारे पार्ट साफ़ कर लिए। कितने भी काम कर लो घर में इतने काम हो जाते हैं, थक जाते हैं, तो एक एक काम करके मैं सफाई में लगी पड़ी थी। लेकिन ना डेली के काम हमारे अलग होते हैं, डेली में जो काम होते हैं वो तो हमें करने ही हैं, लेकिन नॉर्मल जो हम सफाई के काम करते हैं वो हमारे काम बढ़ ही जाते हैं।
तो इधर मैं आ गई थी, पूरे इसको सब सो साफ़ कर ले, सबको अच्छे से धो लिया। एक और शीशा बचा है, शीशे ना बहुत भारी थे तो बहुत ही उससे मुझे साफ़ करने पड़े। उसके बाद मैंने पहुँच के सबको लगा दिया फ्रिज में और पूरा सामान लगा दिया। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी फ्रिज लग रहा है देखने में भी, एकदम साफ़ करने के बाद, और कितनी कम जगह में पूरा सामान आ गया। पहले इतना मैसी हो रहा था फ्रिज, और जो चीज़ मुझे दिख नहीं रही थी दब गई थी, वो भी अब ऊपर लगा दी, सब अच्छे से दिखेंगी तो मैं यूज़ भी कर पाऊँगी। उसके बाद मैं लग गई थी फ्रिज के ऊपर से सफाई करने के लिए, अगर ये रह जाता तो इसे मैं भूल ही जाती। तो मैं सोची पहले फ्रिज का पूरा काम कंप्लीट कर देती हूँ। फ्रिज को अच्छे से साफ़ करने के बाद मैं आ गई पोछा लगाने के लिए। तो यहाँ पे मैं पोछा लगा रही थी, मेरा लास्ट यही काम बचा था, इसके बाद मैं हो जाऊँगी फ्री, क्योंकि इसके बाद फिर और भी काम हो जाते हैं खाने पीने का। बेनी को देख सकते हो कितना उदम मचा रहा है, तो ये ऐसे ही उदम मचाता है जब मैं काम करती हूँ। तो अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक कमेंट करना मत भूलना, और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।